नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, कभी आपने खुद अनुभव किया होगा, कभी किसी ने शायद आपसे कहा होगा कि ये चीज मेरे पास आई, या ये पौधा मैंने घर में लगाया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया, ये या जीव मेरे घर में आया और मेरा बहुत अच्छा हुआ। कई एक पेड़ पौधे, कई एक जीव सभी के लिए बहुत शुभ होते हैं। कुछ एक इनमें से ऐसे होते हैं जो राशि के अनुसार आपके लिए शुभ होते हैं, राशि के अनुसार अशुभ होते हैं। जो भी चीज आपसे जुड़ी हुई, जिस जमीन में आप रह रहे हैं वो जमीन, जिस मकान में आप रह रहे हैं उस मकान का अंक, जो गाड़ी आप चला रहे हैं उस गाड़ी का अंक, आप किस दिन उसको लेकर के आए हैं, वो आपकी चीज आपने किस दिन बेची है, वो तिथि भी आपकी लाइफ को हिला के चली जाती है। आप जो कपड़े पहनते हैं उनके कलर्स, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के ग्रह नक्षत्र, तमाम चीजें दोस्तों आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उस देवी देवता की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज आपसे जुड़ी है। आपने घर में किसको स्थान दे रखा है बहुत मायने रखता है। कैसे लोगों के साथ आपके व्यवहार है बहुत मायने रखता है। आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ दोस्तों। ये पौधा जिसके भी घर में है, कभी उस घर में दोस्तों पैसों की कमी नहीं होगी, वो व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। और आजकल नर्सरी में आपको हर तरीके के पौधे मिलते हैं। ये पौधा आपको, आप लेकर के आए मतलब आपका वशीकरण सिद्ध हो जाएगा, शत्रु भी आपका गुलाम बन जाएगा। जिस व्यक्ति को आप चाहेंगे मेरे पीछे घूमे, व्यक्ति आपके पीछे घूमेगा, शत्रु जड़ से खत्म हो जाएगा, घर में धन का ढेर लगा देगा, घर का वास्तु दोष दूर कर देगा। ये इतना पावरफुल पौधा है। जानकारी दोस्तों यदि अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अच्छी जानकारियों को शेयर करना पुण्य का काम है, जरूर शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूं आपसे सहदेवी के पौधे की। सहदेवी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, लगभग 3-3.5 फुट का बड़े से बड़ा पौधा आपको इतना बड़ा मिल जाएगा। आप लेकर के आए और ला करके उसको घर के उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में आप उसको लगा दें। जैसे आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, ऐसे आप सहदेवी के पौधे की दोस्तों पूजा करें। सहदेवी का पत्ता और तुलसी का पत्ता दोनों यदि आप मिला देंगे और इसका चूर्ण बना करके इसकी गोली आप मुंह में रखेंगे, चूर्ण की गोली बना लें, सुखा लें और उसको आप मुंह में बनाए। रविवार के दिन आपको ये बनाना है। आप जिस व्यक्ति से बात करेंगे वो व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा, बस ये गोली आपके मुंह में रहनी चाहिए। तुलसी का भी उतना ही पत्ता ले, उतना सहदेवी का ले ले, दोनों को पीस करके उसकी गोली बना ले और उस गोली को आप अपने मुंह में रखें। सहदेवी का दोस्तों पंचांग, इसका तना, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी जड़, पांचों चीजें आप थोड़ा थोड़ा सा ले लें और उसका चूर्ण बना करके यदि आपने जीभ के आगे के हिस्से में लगा लिया तो, और आपको किसी सभा का संबोधन करने जाना है, कहीं 20-25-50 आदमियों के बीच में खड़े होकर के आप बोलेंगे, लोग एक टक आपकी तरफ देखते रहेंगे और आपकी बात सुनते रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, इसका इतना पावर है। इसकी जड़ है दोस्तों, जड़ को यदि आपने जला लिया और उसका काजल बना लिया, काजल बना करके आप उसको घी में या काजल सरसों के तेल में मिक्स करके अपनी आंखों में लगा करके आप जिस व्यक्ति के सामने देखेंगे वो व्यक्ति आपका गुलाम हो जाएगा। इसके काजल में भी इतना पावर है। इसकी जड़ के चूर्ण का यदि आपने तिलक लगाया सिर पर, तिलक लगा करके आप जिस काम से घर से निकलेंगे उस काम में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। कोई भी काम है करके देखना। आप इसकी जड़ ले लें, जड़ का थोड़ा सा मतलब टुकड़ा ले लें, पूजा स्थान में रखें, उस पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प वगैरह चढ़ाएं और उसको माता लक्ष्मी के मंत्र से अभिमंत्रित कर लें।
और लाल कपड़े में बांध करके उसको धन स्थान में रखते हैं। दोस्तों, कभी धन की कमी नहीं होगी, धन आपके घर का बढ़ता ही जाएगा। करके देखना, पूजा स्थान में यदि आप इसकी जड़ ले आए, धोकर के किसी डिबिया में आप सिंदूर भरे, इसकी जड़ को रखें और पूजा स्थान में रख दे, आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा, घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। ये पौधा जब तक आपके घर में लगा रहेगा, आपके घर में धन आता ही रहेगा, आपका मान सम्मान जबरदस्त रूप से दोस्तों बढ़ता ही चला जाएगा। इस पौधे को आप कोशिश करें रवि पुष्य नक्षत्र में घर में लेकर के आए, या फिर अभी 2-3 दिन बाद पूर्णिमा है, अमावस्या है, अमावस्या के दिन आप इसको ला सकते हैं, पूनम के दिन ला सकते हैं, इन दिनों में से, या फिर होली हो, दिवाली हो, कोई भी अच्छा दिन हो, आप इस पौधे को अपने घर में लाएं। यदि बाहर कहीं पौधा लगा हुआ है, आप इस पौधे को पहचानते हैं, तो फिर आप जब भी ये दिन पड़ते हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो, अमावस्या हो, पूनम हो, उसके एक दिन पहले वहां पर आप पहुंच जाएं और जा करके आप थोड़े से पीले चावल जल में चढ़ा दे, 2 अगरबत्ती लगा दे और थोड़ा सा जल चढ़ा दे उसमें, और उसके बाद में प्रार्थना करें कि कल मैं आपको लेने के लिए आऊंगा या आऊंगी। दूसरे दिन आप 12 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाएं, जा करके उसमें 1 लोटा जल चढ़ा दें, ताकि जो पौधे की जड़ है उसके आसपास का जो मिट्टी है बिल्कुल गीली हो जाए। फिर वहां हाथ जोड़ करके बोले कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं या आई हूं, आप मेरे घर पर चलो और मेरे इतने ये काम है, इसको पूरा करो। और उसके बाद में धीरे से आप उसको नीचे जड़ से उखाड़ लें और ला करके अपने घर में लगा लें। यदि आप पत्ती लाना चाहते हैं तो पत्ती भी आप इस तरीके से ला सकते हैं, उसका पंचांग लाना चाहें तो पंचांग भी ला सकते हैं, जड़ का टुकड़ा यदि काट करके लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। सहदेवी का दोस्तों, उसका तना, इसके पत्ते, फूल, जड़, सब कुछ बहुत कीमती है, बता रही हूं। ये सिर्फ आपके घर में यदि लगा भी है तो भी दोस्तों ये आपकी किस्मत को चमका देता है। इसके पत्ते को या इसके पत्ते से बने हुए चूर्ण को यदि आप पुड़िया में बांध करके हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, तो भी दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका काम सिद्ध ना हो। कोई आपसे कर्ज लेकर के गया है, पैसे नहीं दे रहा है, आप उसका नाम एक कागज में लिखें, लिख करके आप इसके चूर्ण में, जो चूर्ण आपने इसके पत्ते से बनाया हुआ है, उसके अंदर डाल दें और किसी वजनदार चीज में दबा करके रख दें। सामने वाला दोस्तों घर आकर के पैसे देगा, ये इतनी पावरफुल चीज है। वशीकरण में भी इसका यूज होता है, इसका शत्रु नाश में भी यूज होता है, इससे आप मारण, मोहन, उच्चाटन जो चाहें वो कर सकते हैं। इसकी कुछ सूखी पत्तियां दोस्तों आप ले लें, सूखी पत्तियों के साथ आप मतलब किसी प्लेट में उसको रखें, शनिवार का दिन हो या रविवार का दिन हो, और उसमें दोस्तों आप शत्रु के नाम की काली मिर्च ले लें, जितने अक्षर शत्रु के नाम के हैं, इसके पत्तों को जलाएं और उसमें शत्रु का नाम ले लेकर के उस काली मिर्च को डालते जाएं। आप देखेंगे दोस्तों काली मिर्च जैसे जलेगी सहदेवी के पत्तों में, शत्रु की तमाम शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। रविवार को करें या आप शनिवार के दिन करें, शत्रुओं से भी आपको जबरदस्त रूप से दोस्तों ये छुटकारा दिला देती है। जो भी आपके विष हो, उस विष को आप इसकी पत्ती हाथ में लेकर के उस विष को आप बोले और उसके बाद उस पत्ती को आप जला दें, जला करके उसको आप हवा में उड़ा दें। इसकी पत्तियां भी दोस्तों इतनी पावरफुल होती है कि आपकी तमाम इच्छाओं को पूरी करने की इसमें शक्ति होती है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है, आपने एक बार किया और नहीं हुआ तो आप इसको दूसरी तीसरी बार भी रिपीट करें। बाकी एक चीज है कि सहदेवी यदि आपके घर में है, ये पौधा नहीं है, एक कुदरत का वरदान है, जैसे कामधेनु गाय है, आपके तमाम इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चीज है। जरूर इसको लेकर के आए घर में, ला करके लगाए और रिजल्ट देखें। जय श्री कृष्ण।